नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं खबरें, देखते रहे टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। औतरौलिया में शॉर्ट सर्किट से गरीब की झोपड़ी में लगी आग, लड़की की शादी में देने के लिए रखा सामान जलकर हुआ खाक। बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र के औतरौलिया पूर्वा गांव में बीती रात लगभग 2:30 बजे साथ शॉर्ट सर्किट की वजह से गरीब परिवार की झोपड़ी में आग लग गई। आग की लपटों में लड़की के शादी में देने वाला सामान जलकर खाक हो गया। मई माह में लड़की की शादी हो की तैयारी हो रही थी। बता दें कि पीड़ित गांव निवासी लालचंद राजभर ने बताया कि बीती रात को हम लोग खाना पीना खाकर सो गए थे कि अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगभग 2:30 बजे आग लग गई। किसी तरीके से स्थानीय लोगों की मदद से झोपड़ी में बधी गाय को तो बचा लिया गया, लेकिन इसी झोपड़ी में मेरी लड़की की शादी में देने का सामान रखा हुआ था जो आग की चपेट में आ गया और वो सब जलकर खाक हो गया। उसी झोपड़ी में गैस सिलेंडर भी रखा था जिसको आग के लपटों ने अपने आगोश में ले लिया और आग की लपटें और भयानक हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। बेटी की शादी में देने के लिए गरीब परिवार मेहनत मजदूरी करके दहेज में देने के लिए टीवी, सूटकेस, कूलर, साड़ी, कपड़े, गहने, गेहूँ, चावल इकट्ठा किया था। भीषण आग में सब जलकर राख हो गया और गरीब परिवार के अरमानों पर पानी फिर गया। शॉर्ट सर्किट से लगी इस भीषण आग में गरीब परिवार का लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए और सामान का भारी नुकसान हुआ। प्रधान प्रतिनिधि दीपक सिंह ने बताया कि रात लगभग 2:30 बजे आग लगने की सूचना मिली। तत्काल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास नाकाम रहा और गरीब परिवार का पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। बेटी की शादी के लिए गरीब परिवार पाई पाई इकट्ठा करने में जुटा हुआ था। हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को जानकारी दे दी गई है। बिजली विभाग की लापरवाही जग जाहिर है। आग लगने की घटना के तुरंत बाद बिजली विभाग को सूचित करने के लिए फोन किया गया, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। क्या नाम है चाची? शीला। कहाँ घर है? यही लागा रालन का, जहाँ लागा लाल आग लागा है। पक्का मकान दो कमरा को बान लाल, ओमे आग लग गई, फट गई है दीवार। कैसे आग लगी थी? अभी पता ना सूता रात में क्यों पता ना, अब लाइट से जरा लाइट रहा, लाइट से जरा लिया। अगर बात फिर आग घर में जब लागा लाल, हम लोग घर छोड़ के भागा लगनी, सामान सब बाहर अंदर बोर्ड ओड रहा उजर गया। अब हम लोग मेहरारू जंत रानी, अब मरत रहने ना कि क्यों देखी। अब मेहरारू माई दिया हम लोग रानी, हम लोग निकाल घर में फिर अपन सामान वहाँ पीछे से दीवार फट गई जर गई। अभी यह जो नुकसान है भयाल हुआ। क्या नाम चाचा आपका? लालचंद। कहाँ घर है? अतरौलिया पूर्वा। ये आपके घर में आग लगी थी, किस चीज से लगी आग? शॉर्ट सर्किट से लगी थी। कितने बजे लगी है? 2:55 तक शायद। रात में? रात में। क्या क्या जला है? रजाई, गद्दा, तकिया, चद्दर, चारपाई और ये और ये लड़के की शादी में उसका जो सामान था, साड़ी 6-7 तो सब जल गया। और फिर ये राशन और ये चावल और कितना ये होगा? राशन चावल के अलावा कितना जला? 5 क्विंटल। तो क्या आपके घर में शादी थी? ठीक है, हाँ शादी ये जून मई में थी। मई में भी शादी थी? हाँ। तो सारा सामान भी जल गया लड़की? हाँ, लड़की का सामान भी जल गया और झोपड़ी भी जल गई। झोपड़ी जल गई, करकट भी उधर ही जल गया। तो क्या उसमें क्या कौन कौन था उसमें जब आग लगी? इसमें केवल हम थे यहाँ पर और कोई नहीं, और ये गाय भैंस थी इसमें। कोई क्या घायल हुआ है? नहीं नहीं, कोई घायल नहीं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग लगभग काले को एकदम की 2.5-3 लाख रुपए मान लीजिए आप। पूरी गृहस्थी जल के लाख हो गई? हाँ सब। प्रधान जी, आपके गांव में आग लगी है, किस चीज से आग लगी इसके बारे में? जैसे रात में करीब लगभग 2:35 पे जो है आग लगी है, बिजली से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई जो है। और ग्रामीणों की मदद से जो है आग पे काबू पाया गया। काबू पाने के बाद देखा गया टोटल सामान सब जल गया। किसकी मड़ई में आग लगी थी? ये लालचंद राजभर हैं, उनकी मड़ई में आग लगी है और उनके लड़की की शादी भी मई में है और शादी का टोटल सामान जल के राख हो गया सब। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद हमने सबसे पहले जो है कानगो साहब इस हल्के के जो हैं उनको फोन किया। इसके बाद पंकज कुमार नेकपाल ने उनको बताया, वो सब अभी आ रहे हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे यहाँ पे। आपने सूचना दिया कि बिजली विभाग को सूचना, रात में 200 बार फोन किया गया, कोई कार्रवाई कोई सुना नहीं जो है। इसके बाद जो है 1-2 घंटे बाद जब आगे आग सब बुझ गई, सब कुछ ठंडा हो गया मामला, इसके बाद बिजली विभाग जो है लाइन काटा जो है। कैसे आग को काबू पाया गया? ग्रामीणों के द्वारा आग पाल पाया गया। का नाम चाची? चंद्रमी। कहाँ घर है? अतरौलिया पूर्वा।
कैसे आग लगी रही? आग लगल रहा लाइन से, अब रात में 2 बजे रात का लगल है। अब हमार कुल करकट जर गया, गल्ला जर गया, लड़की के शादी का कुल सब उठुआ रहा, सर सामान में रखल रहा, साड़ी फाड़ी सब जर गई, बर्तन बर्तन कुल खाई बनाई चूल उल कुल देखा साहब। टीवी भी रखा गया? टीवी भी, हाँ टीवी हुआ देखा साहब, सामान में जर गई। और झोपड़ी में क्या क्या था आपके? का ही है, जानवर भी थे? हाँ 2-8 गाय थे, भैंस रह लिया, वो तो काट काट सब कई लता उन्हें पर भैंस के लग गया लाल है। कोई, कोई अधिकारी आया, लेखपाल आया, कोई देखने आया आप लोगों को? नहीं अभी ना साहब, क्यों ना विभाग का कोई कर्मचारी आया देखने? नहीं अभी अज्ञाने आया लाना है। आग कैसे, आग पे काबू कैसे पाया गया, कौन बुझाया आग? जनता बुझावला है।